वेल अच्छा लगता है ऑब्वियसली, आपकी फर्स्ट फिल्म होती है और जब लोग जाके देखते हैं उसे पसंद करते हैं ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है, बिकॉज आप इवेंचुअली फिल्म बनाते ही हो ताकि लोग आपको देखे, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है. एंड आई एम ग्लैड दैट पीपल हैव लाइक द फिल्म. एंड आई थिंक थ्रिलर कहीं ना कहीं इतनी फिल्म बनती नहीं है बॉलीवुड में, इट्स समवेयर डाइंग द जॉनर ऑफ थ्रिलर बहुत कम. इनफैक्ट आई थिंक ये एक साल में मैंने थोड़ी एक दो थ्रिलर ज़्यादा देखी है, बट हर साल कोई थ्रिलर इतनी रेगुलरली बेसिस पे आती नहीं है ना. आई लव थ्रिलर, आई एम अ, मुझे थ्रिलर जॉनर और रोमांस बहुत ज़्यादा पसंद है. आई लव सीइंग थ्रिलर फिल्म्स बिकॉज आई थिंक जब मैं थ्रिलर देखती हूँ स्पेशली, जैसे मैं रोज़ मेरे घर में फिल्म डाउनलोड करके देखती हूँ, यू नो फ्रॉम द ऑनलाइन साइट्स पे जाती हूँ मैं, और आई कीप वॉचिंग ऑल ओल्ड फिल्म्स, ऑल हॉलीवुड फिल्म्स. एंड आई जस्ट फील दैट इट्स सो अमेजिंग टू वॉच, क्योंकि आप पूरा 2 घंटा, आपको कुछ नहीं करना होता, मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ एंड अंधेरे में बैठ के देखते रहते हैं. आई फील कि वो जो 2 घंटा एक थ्रिलर आपको यू नो पकड़ के रखती है इज क्रेजी. यू नो वो स्क्रिप्ट ही आपको पकड़ के रखती है मोर देन द एक्टर्स ऑल्सो. सो आई थिंक थ्रिलर जब होती है वो स्क्रिप्ट ही हीरो होता है. बाद में जो एक्टर्स काम कर रहे हैं ऑफकोर्स जो एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन है वो लोग वो दिखा के यू नो एक कन्वे करते हैं एज कैरेक्टर्स, बट आई थिंक थ्रिलर अपने आप में ही एक हीरो है. वो ऑडियंसेस चाहे उसके अंदर सुपरस्टार हो या चाहे उसके अंदर एक न्यू कमर हो, लोगों को वो फिल्म देखनी है कि हो क्या रहा है. सो आई थिंक आई एंजॉय दैट जॉनर वेरी मच एंड फर्स्ट फिल्म में ही मुझे वो जॉनर मिला. आई थिंक आई वॉज वेरी एक्साइटेड. वेल आई थिंक फिल्म में मैंने ना कोई रिसर्च किया था ना कोई तैयारी की थी, बिकॉज आई थिंक मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे डायरेक्टर बोले मैं वैसा करूँ, और अगर आप ज़्यादा रिसर्च कर लेते हो तो कहीं ना कहीं फिर वो डायरेक्टर क्या बोल रहा है आपको समझ में नहीं आता है. सो आई थिंक दैट्स वाई आई वॉज लाइक वेरी क्लियर कि यू नो मैं डायरेक्टर के हिसाब से ही करूँगी जो भी करना है. और जब मैं सेट पे जाती थी मुझे विशाल बता देते थे कि अभी आप ये करो अभी आप वो करो, मैं सिर्फ डायलॉग याद करके जाती थी मैक्स, और दैट्स हाउ इट हैज़ गॉन थ्रू आउट. एंड जब स्पेशली लॉयर का सीन, इनफैक्ट थ्रू आउट द फिल्म द सीन्स वर वेरी डिफिकल्ट, यू नो चाहे वो लॉयर प्ले करना हो या चाहे वो एक लीगल हेड जब मैं ऑफिस में रहती हूँ वो प्ले करना हो, या यू नो जब एक सडनली इमोशनल जोन आता है, जब मैं फ्लैशबैक जाता है जब मैं एक बेटी हूँ और मैं एक रिवेंज लेने के लिए आने वाली हूँ, तो बाद में पता चलता है. देन ऑब्वियसली डूइंग द किलिंग पार्ट एंड किलिंग एवरीबडी, आई थिंक ओवरऑल जो जर्नी थी ये लड़की की वो सो डिफरेंट. एंड आई प्लेड ऑल द कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम, देर आर सॉन्ग्स वेर आई एम रोमांसिंग ऑल्सो, सो आई थिंक आई हैड लॉट ऑफ शेड्स इन द फिल्म. जैसे कि फिल्म के अंदर आपका जो गुरमीत और आपका बोल्ड सीन के बारे में बहुत चर्चा रही मीडिया में, ट्रेलर के दिन ही बहुत सारी बात हुई थी, जी जी जी, तो किस तरह का रहा रिएक्शन बाद में फिल्म रिलीज होने के बाद? आई थिंक फिल्म रिलीज होने के बाद वो बिल्कुल चर्चा नहीं हुई उस बात की, बिकॉज जब लोगों ने फिल्म देखा बोला और ट्रेलर तो जो भी था बट उससे बहुत कुछ कम था फिल्म के अंदर, और आई थिंक जो आपने ट्रेलर में भी देखा था मैंने कहा था इससे भी कम होने वाला है, तो उससे भी कम हो गया, और जो ट्रेलर में था वो पूरी पिक्चर में डिवाइड करके उतना ही था, पर वो ट्रेलर में ऑफकोर्स यू वॉन्ट टू ऐड एवरीथिंग इन द ट्रेलर, सो दैट्स हाउ इट वॉज एडेड. एज वी वर टेलिंग बिफोर ऑल्सो दैट यू नो इज जस्ट अ 1 मिनट सीन इन द 2.5 आवर्स ऑफ फिल्म, 2 hours 10 minutes मूवी. एंड आई थिंक जब लोगों ने फिल्म देखी वो फिल्म के कॉन्सेप्ट को इतना पसंद करे कि आई थिंक उन्हें फर्क भी नहीं पड़ा कि लाइक दे मूव्ड ऑन विद द सीन. आई थिंक दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितने कम्फर्टेबल थे उस वक्त आप जिस तरह के सीन करते वक्त? आई थिंक आप कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग एन इंटीमेट सीन, आप जो दूसरे सीन्स भी करते हैं आप उसमें भी कोई कंफर्ट लेवल होता नहीं है. लाइक व्हेन आई वाज डूइंग अ कोर्टरूम सीन आई डोंट थिंक आई वाज इन माय कंफर्ट जोन. ऑब्वियसली इट्स अ डिफिकल्ट सीन. आप जब मैं किलिंग कर रही थी फिल्म के अंदर, जब रिवील होता है कि मैं किलर हूँ और जब मैं इतनी सारी किलिंग कर रही हूँ और जब वो दिखाता है, दैट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल जोन, बिकॉज यू डोंट नो कि ये कैसे प्रोजेक्ट होगा. सी इंटीमेट सीन्स भी कहीं ना कहीं इफ यू डूइंग इट नाइस सिंपल, क्योंकि आप इस फिल्म से डेब्यू कर रहे थे फर्स्ट टाइम एंड एज अ न्यू एक्ट्रेस, क्या आप कंफर्टेबल थे कि इस तरह के सीन करने के? आई डोंट थिंक सो. इट्स नॉट अबाउट मैं कोई कल इंडस्ट्री में आई नहीं हूँ एंड टुडे आई स्टार्ट शूटिंग द फिल्म. आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर वेरी लॉन्ग. आई हैव डन फ्यू साउथ फिल्म्स, सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टुडे इन बॉलीवुड, सो देयर इज नथिंग टू बी लाइक रियली. हाँ, आई वुड बी वरीड इफ इट वॉज ओनली दैट एंड नो स्क्रिप्ट. But when you have a good script, then you're confident that it's showing all the shades. When I see a film, I see such scenes, I don't say, oh my god, matlab ye kya hai, abhi mujhe film bhi nahi pasand. Of course, if it's, everything is in the requirement in the film, and it does great. Aap apne performance se satisfy hai, janna chahunga? Of course, main bahut satisfied hoon. Obviously, ek actor to hamesha yehi kahega ki they can do better, they can do better, which is a very good thing. Agar aapke andar wo to do better,
करने की चाहत ही नहीं हो, देन देर इज नो पॉइंट. एंड आई थिंक दैट इज हाउ अ लाइफ शुड बी ऑफ एन एक्टर. आई थिंक आई हैव गिवन, मैंने अपना 100% ये फिल्म के लिए दिया, और आगे जाके मैं जो भी फिल्म करूँगी आई विल गिव माई 100%. अब वो लोगों को कितना 100% लगता है, 50 लगता है, 70 लगता है, दैट इज अप टू द ऑडियंसेस. आपकी फैमिली से क्या रिस्पॉन्स रहा जो जानकारी आ रही है मीडिया की, वो बहुत दुखी रहे इस सीन से? मुझे बहुत अच्छे से बोला कि क्यों ऐसे. माई मॉम वॉज द मोस्ट एंग्री पर्सन इन दिस हाउस आई थिंक. रेस्ट माई फैमिली वॉज लाइक लिटिल काम डाउन, बिकॉज यू अंडरस्टूड दैट यू नो समवेयर इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब. मे बी वी डोंट लाइक इट, मे बी शी ऑल्सो डजेंट लाइक इट, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द फिल्म. एंड आई थिंक जब आप फिल्म करते हो, बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं, हूएवर डज किसिंग सीन्स और इंटिमेट सीन्स, आई थिंक समवेयर यू फील शाय विथ योर पेरेंट्स, यू नो, और विथ योर फैमिली और विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वॉचिंग यू. बट एट द सेम टाइम यू अंडरस्टैंड द फिल्म्स आर नॉट मेड फॉर योर फैमिली, दे आर मेड फॉर द ऑडियंसेस हु आर, यू नो, नॉट योर मम्मी एंड डैडी. सो आई थिंक दैट वे इज इट्स फाइन. आपको लगता है जो जर्नलिस्ट इंटीमेट ज़्यादा इंटीमेट सीन्स की ज़्यादा बात करते हैं, ना कि आपके किरदार के बारे में बात नहीं करते ज़्यादा, आपने क्या काम किया उसके बारे में ज़्यादा छपता नहीं है, ज़्यादा इसके बारे में छपता है जी, क्या कहना चाहिए? सी आई थिंक मेरा एक मानना है, हम उसी चीज़ की बात करते हैं जो हमें ज़्यादा पसंद होती है. इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. अगर आप मेरे इंटरेस्ट की बात करोगे तो मैं पूरा दिन आपसे बात करता, तो मे बी दोस्त जर्नलिस्ट उनको वही चीज़ अच्छी लगती होगी, इसीलिए लोग वही बात करते होंगे, मे बी दे नॉट इंटरेस्टेड इन द फिल्म. So I think that's to each its own. You can't change that. अगर आप as a journalist open mind लेके आके पूरा subject की बात करोगे, then you are interested in a proper subject. But अगर आप एक ही चीज़ को बैठ के घड़ी घड़ी उसको ही खोदते रहोगे, then कोई सवाल जो आपको problematic दिया रहा journalist के सवाल की, ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते journalist? I think वो journalist लोगों का काम है. और अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है, देन एज एन एक्टर ऑल्सो यू हैव अ वेरी गुड थिंग दैट इज कॉल्ड इग्नोर. सो आई थिंक एज एक्टर्स एवरीबडी डज देयर जॉब, एज जर्नलिस्ट दे आर डूइंग देयर जॉब. या बट एट टाइम्स आई फील समटाइम्स दे गेट वेरी वेरी रूड एंड दे टॉक एनी थिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय मी एज एन एक्ट्रेस. एज अ वुमन आई डोंट अप्रिशिएट दैट, बट इफ यू थिंक दैट्स हाउ अ जेंटलमैन शुड बी, देन गुड फॉर यू. 2016 आपके लिए बहुत अच्छा रहा जिसकी फिल्म वजह तुम हो, बहुत लोगों ने आपकी एक्टिंग की सराहा की. 2017 में क्या करने वाले हैं आप? वेल 2017 में मेरी जो फिल्म है टॉम डिक एंड हैरी रिटर्न्स, जो हमने पार्ट वन की है, आई मीन पार्ट टू जो ये साल शुरू हो चुकी है, नेक्स्ट ईयर आई थिंक वी आर गोइंग टू कंप्लीट द फिल्म ऑब्वियसली एंड रिलीज द फिल्म. एंड होपफुली आई विल बी लॉकिंग अनदर वन, एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट मिनिमम. सो लेट्स सी, आई एम गेटिंग गुड स्क्रिप्ट, बट आई एम गोइंग टू सिट एंड रीड एंड फाइंड द डिटेलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में कितना दम है और हु ऑल इज इन्वॉल्व. I think that's how I will take a call. और जैसे कि मैम हमारे देश के अंदर 80% जो महिला है या आदमी है उनकी स्किन ब्राउन होती है जी, लेकिन तभी भी लोग फेयरनेस क्रीम के आगे लग जाते हैं कि ये एड देख के ये कि आप गोरे हो जाएंगे क्या, आपका क्या है इस पर, आप क्या देखते हैं कि इस तरह के एड्स करने चाहिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी एज अ सेलिब्रिटी? आई थिंक दैट वुड बी वेरी अनफेयर टू टेल अ सेलिब्रिटी कि आप ऐसे ऐड नहीं करो, क्योंकि आई थिंक सेलिब्रिटीज ऐड करे या नहीं करे उस प्रोडक्ट की जो सेल है वो हाईएस्ट है. लाइक आई ऑलवेज सेल मेरे घर में, आई डोंट वांट टू नेम अ वेरी रेप्यूटेड क्रीम ब्रांड जिसका एड 24 घंटा चलता है, वो कहती है फेयरनेस आ जाएगी फेयरनेस. मैं बचपन से मेरी मॉम को क्रीम यूज़ करते हुए देख रही हूँ, अभी तक मेरी मॉम फेयर नहीं हुई है. ओके, सो प्रोडक्ट्स का काम है उन्हें बेचना, उन्हें अच्छे से पैकेजिंग करके देना. एक्टर्स शुड नेवर बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल स्पेशली फॉर दिस फेयरनेस क्रीम, बिकॉज वेदर आई से और नो यू आर वॉन्ट टू बाई इट. अगर एक्टर्स कोई भी प्रोडक्ट ऐसे इंडोर्स नहीं करें, पीपल आर बाइंग इट. एवरी प्रॉब्लम इज वी आर ऑब्सेस्ड विद वाइट स्किन, व्हाई ब्लेम द एक्टर्स? आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम मोर फेयरर देन व्हाट आई एम टूडे. यू नो हर कोई इंसान जाता है, पार्लर जाता है, फेशियल करता है, ब्लीच करता है, क्यों करता है? देर इज नॉट इवन वन वुमन इन दिस वर्ल्ड हु डजंट ब्लीच. होगा 5% लोग होंगे शायद, बट 95% गर्ल्स ब्लीच. वॉट इज द पर्पज ऑफ ब्लीचिंग? इज टू मेक योर स्किन मोर क्लियर. हाँ, आप अपने आप को अच्छा बनाने में, आज हम जिम जाते हैं अपनी बॉडी अच्छी करने के लिए, अगर आप अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए चीज़ें यूज़ करते हो, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग. इफ आई एम नॉट दैट टॉल पर्सन, मैं हील्स का यूज़ करती हूँ सो दैट आई लुक टॉलर, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग. सो इफ आई वांट टू लुक फेयरर एंड इफ आई एम यूजिंग एनी फेयरनेस प्रोडक्ट, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सही है? वो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो है मेंटालिटी ऑफ सिक पीपल, जो कहते हैं हमें शादी करनी है गोरी लड़की से ही.
नहीं वो पागल, वो दे सिक, आप उनको इन लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो उनका दिमागी संतुलन ही खराब है। क्योंकि आज मैं इंडस्ट्री में देखती हूँ, मैं इंडस्ट्री में हूँ, द फेयरेस्ट ऑफ द गर्ल का जो गर्लफ्रेंड है शी इज ब्राउन, शी इज ब्लैक, द फेयरेस्ट ऑफ द गर्ल इज डेटिंग अ ब्लैक। इट डजेंट मैटर, कलर आपका चॉइस है, आपको क्या चाहिए। इफ कल को मेरा हस्बैंड होगा या मेरा बॉयफ्रेंड होगा, मैं ये नहीं देखूंगी वो कितना गोरा है, टू बी विथ हिम और टू फॉल इन लव विथ हिम। इवन इफ ही इज ब्लैक आई वुड स्टिल फॉल इन लव विथ हिम, दैट्स माई चॉइस। बट अगर आप ये इतनी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखोगे और आप सोचोगे वाइट दुल्हन चाहिए, आई थिंक दैट इज सिक, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाई मी ऑल्सो, दैट इज बैड। बट आई थिंक टू ईच इट्स ओन, आप कुछ नहीं कर सकते हो। किसी का किसी को कंपैटिबिलिटी नहीं चाहिए, आपका नेचर अच्छा हो नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आप गोरे होने चाहिए, दैट्स अ प्रॉब्लम। और ये सोसाइटी प्रॉब्लम है, ये आप कैसे डील करोगे। बट दैट डजंट मीन दैट एक्टर्स शुड बी, क्या आप इंडोर्स मत करो, दैट्स स्टूपिडिटी आई फील। जैसे कि नया साल आने वाला है, क्या प्लानिंग है, किस तरह के आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे या बाहर जाके, आप किस तरह? वेल, मैं फिलहाल तो प्लान कर रही हूँ अपने घर पे ही सेलिब्रेट करने का। मेरे कुछ एक दो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो घर आने वाले हैं, और जो मेरी मेरे मॉम और मेरी मासी घर पे है, सो आई थिंक आई एम गोना हैव अ लिटिल सेलिब्रेशन एट होम एंड एंजॉय माई सेल्फ। बाहर सी आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, तो मेरे लिए तीनों चीज़ें ना हो जाती तो मुझे बाहर जाने का कोई मकसद ही नज़र नहीं आता ऑन 31st of December। Until unless I'm not traveling abroad, I'm enjoying a big group of friends. Sometimes I do that. I've been doing this since till last year. But this year I wanted to like just sit back, chill, relax. So that's what I'm doing this year. Ma'am, aisa koi dream role hai aapka, jo role aapko nibhana hai? I think dream role mere liye to wahi dream role tha honestly, ki main puri film mein main hi rahun. The film has to be about me. I should be the central character, and I think ye mera dream tha. Chahe wo ek thriller ho ya romance ho. कॉन्सेप्ट का कुछ हो नहीं था, बट आई एम हैप्पी दैट मेरा जो वो सपना था मेरी पहली फिल्म के साथ ही पूरा हुआ। एंड आई डेफिनेटली होप के इसी तरीके के मैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आगे करते रहूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डायरेक्टर कोई आए हैं अपने नई स्क्रिप्ट लेकर आपके पास? डेफिनेटली मेरे पास दो तीन स्क्रिप्ट आई है, अच्छे प्रोडक्शन हाउस से आई है, बट ऑब्वियसली लेट मी एव, वो मेरा फर्स्ट स्टेज अभी एक प्रोडक्शन के साथ अभी तक वो भी नहीं आया है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर वी विल मीट बिकॉज इट ऑल आउट, but I'm glad that people are coming to me, you know, 10-15 din mein, and good projects. So let's see kya hota hai, I'll take my time, I'll see ke aram se, because I think achhe project ke liye wait karna zaruri hai. 2017 mein aap top actress mein jana jayegi? I don't know, I think agar aise kuch hua to obviously I'll be very happy, even if people consider me as a good actor, for me that is more than enough. It's, I am just one film old, and I will give myself that time, I would let people also take that time to accept me. बट आई रियली होप दैट यू नो, जब आप कुछ मेहनत करते हो, कुछ अच्छा करते हो, अगर लोग मुझे उसके लिए अप्रिशिएट भी कर ले कि आपने अच्छा किया, आई थिंक फॉर मी दैट्स मोर देन एनफ। हाल ही में दंगल फिल्म रिलीज हुई है, तो कैसे देखते हैं आप इस फिल्म को कि इसमें विमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया है? आई थिंक ऑनेस्टली आई हैव नॉट सीन दंगल, मुझे दंगल देखनी है जाकर, और आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द फिल्म, एंड ऑफकोर्स उसमें वुमेन एम्पावरमेंट है, स्पेशली हरियाणवी केसेस जहाँ पे फीमेल फेटिशाइज ज़्यादा है, बोलने की वो बात ही नहीं है डेफिनेटली। तो आई थिंक उस सब्जेक्ट को उठाना इज़ अ वेरी नाइस थिंग, एंड आई थिंक नोबडी बेटर देन आमिर कुड हैव डन दैट, बिकॉज आई थिंक जब आमिर कोई फिल्म बनाते हैं तो वो हमेशा रियलिस्टिक फिल्म्स बनाते हैं, एंड आई एम अ फैन ऑफ आमिर खान, आई थिंक एवरीबडी इज़। वो बहुत बड़े स्टार है, हम बहुत छोटे स्टार हैं, और हम उन्हें एक फटर्निटी में हैं, हम सब हम उन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो वो काम करते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप एक फटर्निटी में होते हो तो एक दूसरे को हेल्प करना और सपोर्ट करना is very important, and we all have gone through that struggle. I think everybody's gone through that flops and hits and everything, and so has even Mr. Aamir Khan, and today he's become a perfectionist, you know, and he's someone we all look up to, you know, we feel nahi, we have to see Aamir's film. So that means I'm very happy ki har saal wo kuch aisa subject uthate jo aapne kabhi, you know, jo suna hi nahi hoga, and I think because you relate to Aamir, you connect with the film. Thank you, ma'am. Thank you.